नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। मैं आपके साथ खुशबू। प्यार का साक्षी हर कोई होना चाहता है और फिर उसकी असफलता का अनुभव करना सबके लिए भयानक अनुभव है। कई बार आपकी शादी उस व्यक्ति से हो जाती है जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन बाद में साथ रहने में परेशानी होती है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके कारण कुंडली में प्रेम विवाह विफल हो सकता है, परंतु इससे बचने के लिए कुछ उपाय भी हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत करती हूँ हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप पंडित जी से फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, मन की शंका को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दो नंबर फ्लैश करें, 01207153787, दूसरा नंबर 01207153826। ये दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके मन में कोई भी शंका हो उसे दूर कर सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, ये जानना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि प्रेम विवाह हो जाता है लेकिन कुंडली दोष की वजह से वो असफल हो जाता है, एक अच्छा अनुभव नहीं रहता। देखिए, आपने बहुत अच्छा साक्षी जी प्रश्न रखा है और मैं समझता हूँ कि ये उन युवाओं के लिए जो खास तौर पर जन्म पत्री को महत्वता नहीं देते या फिर कई जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। प्यार का साक्षी होना और उसकी असफलता का अनुभव करना सबसे भयानक अनुभव होता है, क्योंकि साक्षी जी इसके लिए प्रेम किया और प्रेम फिर विवाह विफल हो गया तो वो सबसे बुरा अनुभव होता है व्यक्ति का। जैसे हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र ग्रह कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनाता है, लेकिन शुक्र ग्रह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि है तो प्रेम तो होगा, किसी के आप क्लोज तो होंगे, प्रेम भी होगा, क्लोज भी होंगे, लेकिन विवाह यदि करते हैं तो फिर वो समस्या पैदा कर देता है। इसलिए कुंडली में मीन का शुक्र होना जरूरी है या फिर नीच का शुक्र कन्या का ना हो, क्योंकि कुंडली में प्रेम विवाह योग बनता है शुक्र से। सप्तम भाव को भी देखना पड़ता है, क्योंकि वहां अशुभ ग्रहों की दृष्टि यदि है तो संबंध तो होगा, प्रेम भी होगा, आप उनके बहुत क्लोज हो जाएंगे, मगर वो प्रेम विवाह में बहुत समस्या आती है और विवाह नहीं हो पाता। या तो माता पिता भाई कोई भी बाधक बने, लेकिन वो बाधक ऐसा बनेगा कि वो विवाह नहीं होगा, और कर भी लिया गया तो फिर उसमें धोखा मिलता है। ऐसे हम पंचम भाव को देखते हैं, जन्म पत्रिका उंगली का पत्रिका के पंचम भाव। अष्टम भाव में जाकर के नीच हो जाता है पंचम भाव, तो जातक को धोखा मिलता है, जो प्रेम करता है उसको धोखा मिलता है, और खास तौर पर ऐसा मैंने देखा है लड़कियों के ज्यादा होता है, ऐसा योग लड़कियों के ज्यादा मिलता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्रेम संबंधों में समस्या आती है, इसके कारण प्रेम विवाह फिर चल नहीं पाता। कई बार ऐसे योग के कारण प्रेम विवाह तो हो जाता है लेकिन जातक सुखी नहीं रहता, वो विवाह करके टूट भी नहीं रहा लेकिन वो सुखी नहीं है। हर दिन उसको प्राशित करके जीना होता है। किसी भी जातक की कुंडली में यदि शुक्र अर्थात प्रेम का कारक ग्रह छठे भाव में, आठवें भाव में या लगन के भाव या बारहवें भाव में है तो प्रेम की संभावना तो पूरी बनती है लेकिन प्रेम विवाह संभव नहीं होता। अगर किसी की किसी भी वजह से प्यार आपको हो गया है, लव मैरिज के बाद दिक्कत ना आए, इसके लिए सप्तम भाव में उच्च राशि का शुक्र हो, शुक्र के साथ राहु की स्थिति हो तो जातक का विवाह होता है, लेकिन उसके बाद विवाह के बाद जातक विवाह में असफल हो जता है, क्योंकि वह राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव केंद्र में, राहु बैठा है सप्तम भाव में, केतु बैठा है, तो निश्चित रूप से ऐसा योग माना जाता है कि तलाक होने की संभावना दिखाता है। यदि राहु लग्न में बैठा है, केंद्र में केतु बैठा है, तब भी वो तलाक की संभावना प्रकट करता है। तो जन्म पत्री तो संकेत देती है, देखने की बात है कि हम उसे कितना मान रहे हैं या हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं।
आजकल तो ऐसा चल गया है साक्षी जी कि लोग जन्म पत्र केवल मात्र जो है ऑनलाइन मिला लेते हैं और गुण देखे और शादी कर लेते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर कहाँ बैठा है, नीच का है कि उच्च का है, कि किससे संबंध रखता है, या किस कारण से हमारे बीच में दरार आएंगी, या हमें प्यार को छोड़ना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो इनके उपाय ये कैसे हो सकते हैं पंडित जी? देखिए, हाँ, अब ये आपने कहा कि लव मैरिज के लिए ज्योतिषी उपाय, कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। और मंगला गौरी का जब व्रत करते हैं, मंगलवार के दिन माँ पार्वती का व्रत करते हैं, तो फिर आपको जो प्यार मिलेगा वो स्थायी रूप से मिलने वाला है। राधा कृष्ण की पूजा करने से प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। या किसी भी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा करके उनके द्वारा गए बताए गए उपायों को लव मैरिज को मजबूत बनाने के लिए करना ही चाहिए। लेकिन वो ज्योतिषी ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी कुंडली को लेकर बैठ जाता है और वो ज्योतिषी बनने का प्रयास करता है या बन जाता है, तो ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में प्रेम योग कमजोर है या प्रेम विवाह करने में समस्या आ रही है, तो आप समझिए कि उसमें कहीं कहीं आपकी जन्म पत्री में कोई दिक्कत है। कुंडली में या तो शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है, या शुक्र को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए वो प्रभाव छोड़ता है। और मान लीजिए प्रेम प्यार से आपने विवाह, किसी ने विवाह कर भी लिया है, किसी ने कोई विवाह कर भी लिया है, तो उन्हें ये देखना होगा कि शुक्र को मजबूत कैसे करें। शुक्र प्यार बढ़ाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और चीज है कि आप जो है, मान लीजिए आपके दोनों के बीच में है, या किसी के भी बीच में जिन्होंने प्यार किया है, प्यार लव मैरिज किया है, और बाद में आपस में मनमुटाव हो रहा है, तो एक अंगूठी या ब्रेसलेट या पेंडेंट शुक्र के लिए, यानी जरकन के लिए, डायमंड की पहननी चाहिए। उससे मजबूत होती है और मैरिज सफलता की स्थिति में जाती है। कुंडली का पंचम भाव के साथ साथ सप्तम भाव को बल देना होता है, तभी प्रेम विवाह संभव होता है और तभी वो प्रेम विवाह सफल होता है। सोमवार के दिन माता पार्वती और भगवान शिव के कलावा से युति करें, यानी दोनों को बांधे, भगवान शिव और पार्वती को दोनों को लपेटे, सात लपेटे लगाए, ये प्रेम विवाह को मजबूत बनाता है। और इस प्रकार से जो है अपनी सोच रखते हुए जन्म पत्री को दिखाने के बाद ही अपना अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि प्यार का साक्षी होना भगवान का या ग्रहों का होना बहुत जरूरी है, ये देखने वाली बात है। जी, अब मैं कॉलर से हाँ जी, चाहूंगी, खुशबू जी, जी कॉलर से चाहूंगी कि आपके मन में कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल करिए, और जो पहले पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपना नाम बताइए, जन्म तिथि और जन्म स्थान, और जो भी मन में शंका है वो पंडित जी से पूछ के दूर कर सकते हैं। हेलो हाँ जी, हेलो जी, हेलो। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ, सुजानगढ़ से हैं। तो 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो आचार्य जी, इस आठमुखी के बारे में, इस आठमुखी का महत्व है और उसको मतलब प्रयोग में लेने का तरीका, उसका मंत्र, वो थोड़ा सा विस्तार से बताएं। कल वाला हमारे थोड़ा समझ में आया, आपने जल्दीबाजी में बता दिया। देखिए, आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको लगता है कि हमने जल्दी बताया है, तो कोई बात नहीं, आज हम बताएंगे। क्योंकि ये खुशबू जी, जी हमारे सुरेंद्र जी जो है, प्रतिदिन आंधी मेव तूफान कितने भी हों मगर ये हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, चाहे इनका स्वास्थ्य खराब हो तब भी ये कार्यक्रम को देखते हैं। और ये कहते हैं कार्यक्रम को नहीं देखें तो मेरा कोई दिन अच्छा नहीं लगता और बहुत मतलब जो है अच्छा फील नहीं करता हूँ। ऐसे हजारों लोग हैं जो हमारे प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं, और कार्यक्रम को देखने के बाद, अपनी राशिफल सुनने के बाद, फिर पूरे दिन का निर्णय करते हैं।
उनमें से सुरेंद्र जी की कॉल प्रतिदिन लगती है और प्रयास रहता है कि प्रतिदिन कॉल करके एक ज्ञान बल बुद्धि और आध्यात्मिक और रचनात्मक बात को लेकर के प्रश्न रखते हैं, जिससे मैं समझता हूँ सभी दर्शकों को लाभ भी होता है। आपका आठ मुखी रुद्राक्ष को लेकर जो प्रसंग था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आठ मुखी रुद्राक्ष उदाहरण करने से भय और अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर के गणों में शामिल होता है। आठ मुखी रुद्राक्ष बुद्धि, ज्ञान, धन, यश और उच्च पद की प्राप्ति सहायक सिद्ध होता है। इसलिए आठ मुखी रुद्राक्ष की बहुत महत्वता है। और इसे जो आप मंत्र की बात कर रहे हैं तो आप मंत्र के लिए रखें ओम हुम नमः, ओम हुम नमः। आठ मुखी फेफड़ों के रोगों को नियंत्रण करने में सहायक होता है, याददाश्त को बढ़ाता है। इसका स्वामी ग्रह राहु है, इसलिए आपको ये प्रोटोकॉल देता है, आपकी रक्षा करता है। जी, उम्मीद करते हैं आपके जो मन की शंका थी वो दूर हो गई होगी, आज आपको क्लियर तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी अपने मन में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ, पंडित जी का सादर प्रणाम। मेरा सवाल मेरे खुद के बारे में है पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979। जन्म समय 11:30 दोपहर का है और जन्म स्थान है रतनगढ़ चूरू राजस्थान। पंडित जी, समय समय पर आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं, उसके लिए चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा सवाल है कि मुझे गुरुओं से सुख मिले उसके लिए किस चीजों का दान करना चाहिए और किस दिन उपवास रखना चाहिए, और दान और उपवास के बारे में मार्गदर्शन करें। सादर प्रणाम पंडित जी। अब देखिए आपको कुशो जी, अभी हम बात ही कर रहे थे और आप देखिए कि ये मनोज जी हैं, ये प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं और प्रयास करते हैं कि भाई कॉल हमारा लगे और हम बात करें, और ये आध्यात्मिक कई प्रश्न ऐसे रख लेते हैं जिनसे इनका ज्ञान भी वर्धन होता है और लोगों को भी लाभ मिले। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से इस बात को सुने क्योंकि आपने महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है, ये प्रश्न कोई सामान नहीं है। शास्त्रों में दान का जो विशेष महत्व है वो किस दिन करें, किन वस्तुओं का दान करें। जिस प्रकार से पूजा पाठ के लिए सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी देवता के लिए समर्पित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दान के लिए भी सप्ताह के दिन निर्धारित होते हैं। दान से सुफल की प्राप्ति होती है। वार के अनुसार दान करने से कुंडली के अनुकूल ग्रह होते हैं। ग्रह दान करने से पुण्य इस जन्म के नहीं अगले जन्म के भी आपको प्राप्त होते हैं। दान करना महापुण्य कहलाता है। दान करने का सुफल व्यक्ति को इस जन्म से लेकर के अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में, पुराणों में भी दान देने के महत्व के बारे में ये बताया गया है कि घर के बड़े बुजुर्ग भी हमेशा दान पुण्य करते रहे हैं। रविवार के दिन यदि आप दान करते हैं तो रविवार का व्रत करें और सूर्य को समर्पित आप गेहूं, लाल फूल, गुड़, माणिक, रतन जैसी चीज आप दान करें, इससे आपको लाभ होता है। और इसी प्रकार से सोमवार की बात करें तो आप चावल, सफेद फूल आदि दान करें, चंद्रमा की कृपा होती है। मंगलवार को दान करें तो सौंफ, मूंग करें, तांबा भी कर सकते हैं, इससे हनुमान जी कृपा होती है। बुधवार को कांसे के बर्तन, हरी सब्जियां दान करें। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र दान करें, अनाज करें, गुड़ दान करें। शुक्रवार के दिन आपको केसर, नमक, खीर, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। और शनिवार के दिन लोहा, सरसों का तेल आदि का दान करना चाहिए। ये इस प्रकार से दिन के हिसाब से इसकी महत्वता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको कुछ भी पूछना हो, मन में कोई भी आशंका हो, अपनी आशंका को आप दूर कर सकते हैं, पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी,
हाँ जी जी हेलो हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आपके मन में जो भी सवाल है आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है आपकी। अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जिनके बारे में भी पूछना चाहते हैं, अपने बारे में या बच्चों के बारे में, उनका नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान बताइए और फिर पूछिए। अपना नाम। हेलो, जिनके बारे में भी आप सवाल करना चाहते हैं। विनोद कंवर और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/10/80। समय और शहर बता दी। मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 7/9/2000। आप बोलिए, आप तो अपना बोल दिया, बोलिए आगे, बोलिए समय और शहर बताइए। मेरा जन्म पंडित जी है हरियाणा में, जुहानी जिले में, और लड़की का है राजस्थान में। ठीक है, क्या जानना चाहती है आप? देखिए, इनका प्रश्न बेटे को लेकर के है और ये काफी विनोद जी के प्रश्न के बारे में मैंने प्रश्न को लिए बना लिया है। आपके बता दें, आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, आपका प्रश्न जो है स्वास्थ्य को लेकर के है। आप मेरी बात को ध्यान सुने, आपका प्रश्न स्वास्थ्य को लेकर के है। गले से संबंधित बीमारी, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द और मानसिक अशांति। आपके घर में पितृ दोष का होना हो रहा है। आपका मकान पश्चिम में दिखता हुआ है और साउथ वेस्ट में मकान के साउथ वेस्ट दरवाजे के पास पानी का टैंक बना रखा है और इसी कारण आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कोई भय और मैं नाम का व्यक्ति पितर के रूप में होता है। आप कृपा करके गंगा जल और गौमूत्र को लेकर के पीले फूल से घर में छिड़किए और गूगल धूप की धुआं कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। विनोद जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हमारी ओर से। पंडित जी ने तमाम कॉलर्स की जो मन की शंकाएं थी उन्हें दूर करी है। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेष राशि के जो जातक है उनके लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है, राशि क्या कह रही है? तो खुशबू जी, मेष राशि के जातकों को आज तरोताजा महसूस करने की स्थिति रहेगी। आप अपना काम समय से पूरा कर लेंगे, दूसरे लोगों से आपको आज मदद मिलेगी, आज आप हर किसी की बात को सुनने की कोशिश करेंगे, आज कुछ नए दोस्त बनने की संभावना दिखाई देती है, आप उनके साथ कहीं घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। किसी खास क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आज तत्पर रहने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों। आज किसी पुरानी बात को लेकर के सहयोगियों से बहस हो सकती है, अतः सावधानी से काम लेकर विवादों को टालें। निजी जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, बेहतर होगा कि आप अपने जीवन साथी की सोच को समझने का प्रयास करें, बात का बतंगड़ ना बनाएं, खान पान पर भी संयम बनाए रखें। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे जिससे घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। आपको संचार साधनों से फायदा हो सकता है, आज ज्यादातर चीजें बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों की। व्यावसायिक संदर्भ में नए व्यापार संबंधों और सौदों को अंतिम रूप देने के लिए यह अनुकूल अवधि है। कार्य संबंधी यात्राएं और सहयोग आने वाले महीनों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आप में से कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आज संपर्क होंगे, वो अधिक प्रभावशाली बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोग। आज आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, घर पर किसी मित्र के आने से आपको खुशी होगी। अपनी खुशी बरकरार रखने के लिए आज आपको विवादों से दूर रहना चाहिए। किसी पुराने बात को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, आज आप सिर्फ किसी काम में रह सकते हैं। ऑफिस में आपकी इंपॉर्टेंस बनी। आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव रहेंगे। और भाई, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज व्यावसायिक एवं व्यापारिक संदर्भ में आपके लिए नए संपर्क बनाने का एक अनुकूल समय है।
पूर्व के चले आ रहे प्रेम संबंध और परिपक्व हो सकते हैं। जातकों के जीवन में प्रेम आज दस्तक दे सकता है। किसी बात को लेकर के पारिवारिक संबंध में आज खटास उत्पन्न हो सकती है। और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। आज आप परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। परिवार के लोग आपसे खुश होंगे। ऑफिस का कोई खास काम आज रुक सकता है। आपको मेहनत करने की जरूरत है। वहीं कारोबारियों को काम में फायदा होगा। आज आप किसी मामले पर निर्णय लेना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ खुशी के पल व्यतीत करें। रिश्तों में बेहतर तालमेल बना रहेगा। पैसे से जुड़े कुछ मामले पर आज आपको विचार करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी। आज वित्तीय परिणाम उम्मीद से कम हो सकते हैं और आपको इससे निपटना होगा। सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई संघर्ष है तो प्रयास करें और इसे सौहार्दपूर्ण हल करें। काम से संबंधित यात्रा अमल में आ सकती है जिससे नए रास्ते खुलेंगे। कुल मिलाकर आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों। आज आपको अचानक से धन लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। पैसे के मामले में उन्नति के नए रास्ते। आज आप कोई नई चीज सीखेंगे। दूसरे लोगों की सलाह आज फायदेमंद होगी। नए दोस्तों से मुलाकात फायदा दिलाएगी। किसी समारोह में शामिल होने के योग बन रहे हैं। आज जीवन साथी को कुछ गिफ्ट देकर सरप्राइज कर सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले छात्रों को परीक्षा में सफलता पाने के लिए आज अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। व्यावसायिक परियोजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में सामान्य से अधिक समय लगना पड़ सकता है, किंतु यह आपको कुछ अतिरिक्त फल नहीं होगा। अपने काम और पारिवारिक संबंधों के बीच किसी भी तरह के मतभेद से बचना चाहिए। इससे समय और संसाधनों का अव्यय हो सकता है। प्रेम से और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के। आज पहले किए गए किसी काम से आपको फायदा होगा। कोई पुराना मित्र अचानक आपसे मिल सकता है। आज किस्मत का साथ बना रहे। कुछ खास लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपका सोचा हुआ काम अचानक से पूरा हो जाएगा। बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज आपको विभिन्न स्तरों पर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस समय शांत और सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। टकराव से बचे, उचित विचार के बाद वित्तीय निर्णय लें। छात्र सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों की मदद से पुराना ऋण आज वापस मिल सकता है। इस प्रकार से आज का अपना यह है राशिफल। पंडित जी आपने राशिफल तो बता दिया, लेकिन कुछ कॉलर्स हैं उनके मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जो कॉलर जुड़ रहे हैं वो पूछिए। जी 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 हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है। आप पंडित जी से अपने मन की शंका को दूर कर सकते हैं पूछ के। आचार्य जी मैं ये जानना चाहता हूँ, समय कम है इसलिए, कि सरसों का तेल के अंदर हम पूर्व के अंदर घी का दीपक जलाएं और दक्षिण पूर्व में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें लाल पत्ती जलाएं और गोलियन डाल के दोनों टाइम वो तेल का दीपक जला सकते हैं एक ही टाइम शाम को। देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आयुर्वेद में मैंने पहले कहा था कि सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने से ब्लड फ्लो, त्वचा की बनावट में सुधार होता है, मांसपेशियों का तनाव दूर होता है, इससे शरीर के टॉक्सिन से छुटकारा मिल जाता है। बैक्टीरियल एंटीफंगल्स एंटीवायरल्स गुणों के अलावा सरसों के तेल में एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव होता है। लेकिन जहां सरसों का तेल का दीपक जलाने की बात कर रहे हैं तो
तो सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है एवं घर के अंधकार को दूर करने के साथ जीवन के अंधकार को भी दूर करता है। ये शनिवार को ही जलाना चाहिए, प्रतिदिन ना जलाएं तो ठीक रहेगा और भैरव जी को जलाएं तो और भी अच्छा रहेगा। घर के बाहर दरवाजे में जलाएं तो ठीक रहेगा और प्रतिदिन जलाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जलाइएगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर जो जुड़ रहे हैं वो भी सवाल कर सकते हैं, जो भी मन में शंका है वो पूछ सकते हैं, पंडित जी से सवाल करके दूर कर सकते हैं। पति के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसका जन्म है 30 दिसंबर 1997 और टाइम है 10:45, इसकी नौकरी कब तक लगेगी और किस में लगेगी? आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपकी यहाँ जन्म पत्री के अनुसार इनकी नौकरी की बात करें तो इनकी नौकरी में अभी समय है और इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण में जाकर के स्वक्षेत्री होकर के और धन भाव को देखता है, ये बहुत धनाढ्य रहेंगे और नौकरी सरकारी अवश्य मिलेगी लेकिन थोड़ा समय लगता है और ये 2024 के बाद संभावना दिखाई देती है, 13 नवंबर 2024 के बाद। इन्हें प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए और सुबह तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। इन्हें बहुत मंगल शुभकामनाएं। पंडित जी तमाम राशियों के बारे में बताने के लिए और जो कॉलर्स हैं उनकी मन की शंका को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार जी। शुभ प्रभात, सभी को शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।